नमाज की पाबंदी करनी अल्लाह से एक आप दे आजा चलते हैं चलते हैं आइए नमाज की पाबंदी करिए। अल्लाह ताला हमारे शाबी बाबू इसको वकास को सेहत और आफियत अता फरमाए, इनके घर वालों को अल्लाह ताला वालदैन को जो भी इनके साथ हैं। हजरत साहब आपकी तंजीम कहाँ कहाँ काम कर रही है और सांगढ़ में कौन कौन से ऐसे भलाई काम आपने किए हैं जिसका आज जो है आप इफ्तिताह करने जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह FGRF वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी, जहाँ जहाँ दावत इस्लामी है वहाँ वहाँ FGRF भी है। और दावत इस्लामी ओवर 160 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है। इन सारी कंट्रीज़ के अंदर FGRF भी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी डिज़ास्टर या जहाँ जहाँ भी उम्मत मुस्लिमा को हाजत होती है, चाहे वो तुर्की का जलजला, चाहे वो सीरिया के अंदर जलजला हो या मोरक्को का जलजला या गज़ा के अंदर इस वक्त जो मदद की हाजत हो रही है, और पाकिस्तान के अंदर, तंजानिया के अंदर, मलावी के अंदर जो वहाँ पे कहत पड़ा पिछले दिनों, साइक्लोन और फ्लडिंग हुई है, इन सब के अंदर इस वक्त भी FGRF मदद कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा के अंदर हमने 1,00,000 मील की कैंपेन लॉन्च की अल्लाह की रहमत से। 80,000 से ज़्यादा मील्स हम दे चुके हैं। 6 कंटेनर्स हमारे इजिप्ट से, 2 कंटेनर और 4 तुर्की से वहाँ पे जा चुके हैं, जिसके अंदर मैट्रिसेस, ब्लैंकेट्स और 30,000 लोगों का राशन अल्लाह की रहमत से जा चुका है। 50 से ज़्यादा हम वहाँ पे टेंट्स लगा चुके हैं जिसके अंदर 200+ फैमिलीज रह रही हैं। और इसी तरीके से वहाँ पे हमारी वेजिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन गज़ा के अंदर चल रही है। पिछले दिनों हम सीरिया में थे, 96 हाउसेज और 2 स्कूल वहाँ पर हमने बनाए हैं, और वहाँ पे जो विडोज़ और ऑर्फन हैं, बेबा और यतीम, उनको दिए। और अब हमने 200 घरों का प्रोजेक्ट सीरिया में लॉन्च किया है। 100 से ज़्यादा कंटेनर होम जो कि जलजले से मुतासरीन तुर्की के अंदर थे, उधर हमने जो है वो तुर्की गवर्नमेंट के साथ दिए, और हज़ारों लोगों को वहाँ भी हमने राशन दिया है। पाकिस्तान के अंदर आपके सामने ही इस वक्त हम सांगड़ के अंदर मौजूद है, राइट नाउ हेयर। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन द डिस्ट्रीब्यूशन हेयर, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द फूड। दावत इस्लामी एंड FGRF हैज़न्ट फॉरगॉटन आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर, it doesn't matter wherever they are. It's nearly about 2 years now, but we're still helping those people, those who lost everything because of the flood. And alhamdulillah, today we have distributed foods here and ration packs for those who still don't have houses, who still don't have the basic necessities of life. And inshallah, today we are also giving the keys to those people, those who lost their houses during the flood as well. More than 30+ houses have been constructed now. Today, inshallah, Azza wa Jal will give the keys. And so far, 6,000 houses we have built. And we had promised that we will build 12,000 houses in Pakistan. Allah ki rehmat se 6,000 ke kareeb ghar humare ban chuke hain, jo ke hum de chuke hain un logon ko jo ke salab se mutasirin the. Aaj bhi kamobesh 30 ke kareeb ghar jo hain, wo hum chabiyan unki denge, aur kuch ghar jo abhi under process hai, inshallah, Azza wa Jal unka visit bhi hai. To ye ek mukhtasar sa kaam, अभी खाना भी बटा है, इस तरह जो गरम पका हुआ खाना है वो भी तकसीम हो रहा है। सर्दियाँ आई थी तो हमने ब्लैंकेट्स दिए हैं, जैकेट्स दी हैं, सर्दियों से बचने का सामान, ना सिर्फ सांगड़ में बल्कि हर सूबे के अंदर जहाँ भी हाजत थी, बलूचिस्तान में, KPK में, पंजाब में, सिंध में। अभी यस्टरडे हम जो है वो थर के अंदर थे, वहाँ भी इसी तरीके से पानी की हाजत थी। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF ने इस वक्त तक 4,000 वाटर प्रोजेक्ट सिर्फ जो है वो थर और चोलिस्तान के रेगिस्तान में, 500,000 लोगों को इससे बेनिफिट हो रहा है। जो लोग 10 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आते थे, आधा दिन, आधी ज़िंदगी उनकी पानी लाने में गुजरती थी, अब उनके गांव के अंदर ही हमने जो है अल्लाह की रहमत से वो वाटर प्रोजेक्ट लगा दिए हैं। और ये सब आपके डोनेशन से हो रहा है। और यही है कि FGRF के अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना।